हेलो स्टूडेंट्स आई मोहम्मद बिलाल भट्टी वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ मोशन एंड फोर्स श्योरली दिस लेक्चर विल रेक्टिफाई एंड री योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में तीन असाइनमेंट्स का वर्क सोल्यूशन कर लिया था आज हम चलेंगे टूवर्ड्स फोर्थ असाइनमेंट जो कि uh, हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन के बादसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर ही मैंने आपको एक असाइनमेंट एक दी थी और मैंने आपको हिंट भी बता दिया था कि यह आपकी टेक्स्ट बुक में सारे इन्फॉर्मेशन पर मौजूद है तो हमारी जो फोर्थ असाइनमेंट है इसमें क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कैन यू ड्रॉ इट्स तीन ग्राफ्स पूछे गए थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और तीसरा था एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो आइए स्टूडेंट्स इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स अगर आपने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था इक्वाइज ऑफ मोशन का उसको बड़ी तवज्जो से समझा हो तो उसके अंदर मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था और अगर उन साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में मकैनिक्स में तमाम ग्राफ्स को जस्टिफाई और वेरीफाई कर देता है ग्राफ्स में जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहे होते हैं वो एग्जैक्टली exactly उन साइन कन्वेंशन के मुताबिक आते हैं आप उन साइन कन्वेंशन को समझें और फिर ज़रा उनको ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करके देखिएगा जहाँ जहाँ मौका आएगा मैं भी बताता चला जाऊँगा तो सबसे पहले पहला ग्राफ है डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो स्टूडेंट्स आप ज़रा सोचिए जब हम बॉल को सीधा ऊपर फेंकते हैं वो सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आता है अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं तो मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस ग्राफ की शेप से मिलती है और जो ग्राफ की शेप देखते हैं हम वो दरअसल इन टर्म्स ऑफ स्लोप देखते हैं तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तो स्लो ऑफ विलोसिटी होगी और आप जानते हैं कि अगर बॉल को ऊपर फेंक के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन तो वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही होती है और जब बॉल नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है मतलब अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं फिफ्टी मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से तो अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 मान लें तो अगर मैं 50 मीटर से पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकूंगा एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 40 फिर एक सेकंड बाद थर्टी ट्वेंटी टेन जीरो और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच कर फिर बॉल नीचे आएगा और फिर नीचे आते हुए वे वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़नी शुरू होती है यानी जीरो के बाद टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो ये तरीका कार होता है तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ जिसमें मैं वाई एक्सिस में डिसप्लेसमेंट रखू मैं एस कह लेता हूँ और एक्स एक्सिस में मैं टाइम रखूँ तो जो ग्राफ की शेप आनी चाहिए वो ग्राफ की शेप इस तरह की आती है एक कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर कर लें अक्सर स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि सर ये तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा दी है भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं ये तो ग्राफ है और जो ग्राफ होता है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है ये मैं मोशन नहीं दिखा रहा मैं टाइम की तब्दीली से जो डिसप्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उसका ग्राफ दिखा रहा हूँ और ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है बढ़ता 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आता है और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो रहा है और कम होता 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 जीरो हो जाता है और आप देख लें ये ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थ्रू आउट पॉजिटिव है और मैंने आपको ये बात पढ़ाई हुई है साइन कन्वेंशन में कि अगर आप बोल को ऐसे ऊपर को फेंकते हैं तो जब तक बोल आपकी आंखों के सामने रहता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होता है बहरहाल यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो की जो स्लोप है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करती है और आप चेक कर लें ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो ऐसा ही होता है अभी मैंने आपको बताया था बॉल ऊपर फेंकें तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है ग्रेजुअली और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ये ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो गया फ्लैट होने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और आपने पढ़ा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है उसकी स्लोप जीरो होती है मतलब पता चल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है और ऊपर जाते हुए इस पोर्शन पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है और इसके फौरन बाद नीचे आते हुए डिक्रीजिंग वेलोसिटी और नीचे आते हुए अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन है जहां पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है और समझदार बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला पोर्शन है तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब नीचे तो हुए वे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो जवाब है यस क्योंकि आपको मैंने साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था अगर बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो अगर ऊपर वाली विलोसटी पॉजिटिव ली तो जैसी बॉल नीचे आना शुरू होगा तो डाउनवर्ड विलोस्टी विल बी नेगेटिव तो वो जो सारी साइन कन्वेंशन थी वो यहाँ पर अप्लाई भी हो गई अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि सर अगर बॉल को सीधा ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आ रहा है तो टाइम ग्राफ ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो ये इसका इसकी रीजन अब हमने ढूंढनी है कि ग्राफ ऐसा क्यों नहीं होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बड़ी आसान सी बात है ये ग्राफ ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या वेलोसिटी प्रोवाइड करती है तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसी को तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी और जब नीचे आना शुरू होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होकर कांस्टेंट होगी और आपको पता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ऐसा हरगिज नहीं होता कि बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो थ्रू आउट फिफ्टी से ऊपर जा रहा और फिर एकदम वेलोसिटी जीरो भी और फिर थ्रू आउट नीचे 50 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा होता है ऐसा नहीं है तो ये ग्राफ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इसलिए हम इस ग्राफ को रिजेक्ट कर देते हैं तो होता यह है कि जब भी किसी बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड देख फेंकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है आइए स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसी सिचुएशन का देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद अब हम देखते हैं इसका टाइम ग्राफ जी तो स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन का जो टाइम ग्राफ है अब वो कैसा होगा तो आइए वो देखते हैं तो आप को मैंने अगेन साइन कन्वेंशन में यह बात बताई थी कि बॉल को सीधा ऊपर फेंकें अगर ऊपर वाली विलोसटी पॉजिटिव ली तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना चाहिए ऊपर जाते नीचे आते माइनस जी होगा आइए क्या ग्राफ इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं आइए देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं विलोस्टी टाइम ग्राफ की बात करूँ तो आप जानते हैं कि विलोस्टी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है तो इसी सिचुएशन का जो टाइम ग्राफ आता है उसकी शेप कुछ इस तरह की आती है और ये शेप क्या बता रही है आइए तो पहले इस शेप की बात कर लेते हैं एक्स एक्सेस में टाइम है वाई एक्सेस में वेलोसिटी है ये शेप साफ बता रही है कि अगर मैंने किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी चेक कर लें 50 थी और जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो विलोस्टी ग्रेजुअली कम होती जा रही है कम होते 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 जब ये पॉइंट आया तो विलोस्टी जीरो हो गई और इसके बाद विलोस्टी फिर बढ़ना शुरू हुई लेकिन आप देख लें ग्राफ फोर्थ क्वार्टर में आ गया यानी नेगेटिव में विलोस्टी बढ़ना शुरू होती है और आपको पता ऐसा ही होता है ऊपर फेंका था तो, तो विलोस्टी पॉजिटिव थी और ग्रेजुअली कम होती जा रही थी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर विलोस्टी जीरो हो गई और यहां पर हाईएस्ट पॉइंट वो है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद नेगेटिव होती है और बढ़ना शुरू होती है और आपको साफ नजर आ रहा है ग्राफ में ग्राफ फोर्थ क्वार्टर में आने का मतलब कि ये नेगेटिव हो गई है जो कि ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कि इसका दरअसल थ्रू आउट एक्सेरेशन नेगेटिव कॉन्सटेंट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ है, होता है. तो दरअसल मैं साइन कन्वेंशन को साथ जस्टिफाई कर रहा हूं आप अगर साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कम अज कम आप ग्राफ की शेप जरूर याद रखिए क्योंकि वो साइन कन्वेंशन वही सीख सकेगा जिसने इक्वाइज ऑफ मोशन वाला लेक्चर एक दो मरतबा अच्छे से कंसनट्रेशन से फोकस करके समझा होगा बहरहाल यहाँ पर विलोसी टाइम ग्राफ इस सिचुएशन का कि एक बॉल को सीधा ऊपर फेंक के अंडर ग्रेविटी वो ऊपर जाए और नीचे आ जाए वो शेप ये बनती है और यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें मिलती है वो ये है कि इस ग्राफ में ये जो शेडिड एरिया है ये असल में डिसप्लेसमेंट कवर है तो मैं इसको प्लस एस कहूंगा और ये जो एरिया है ये जो प्लस एस है ये बॉल जब सीधा ऊपर गया ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है और जब नीचे आ रहा है इसको अगर मैं माइनस एस कह लूं तो क्योंकि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया बिलो ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड तो अगर पूछूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो जवाब आएगा एस माइनस एस जीरो और अगर पूछूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा तो माइनस साइन की जरूरत नहीं तो यकीनन वो इक्वल होगा टू एस तो जो हमने सीखा था कि विलोस्टी टाइम ग्राफ में एरिया बिलो ग्राफ या एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें यहां पर मिल गई अब इसी सिचुएशन का अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं साइन कन्वेंशन को जेन में रखते हुए तो उसमें हम एक्स एक्सेस में टाइम रखते हैं वाई एक्स में एक्सेलरेशन रखते हैं तो वाई एक्सेस में अगर एक्सेलरेशन रखा जाए एक्सएक्सेस में टाइम तो साइन कन्वेंशन के हवाले से आपको पता है कि अगर बॉल को ऊपर फेंका था विद इनिशियल वी आई जो कि पॉजिटिव थी तो बॉल ऊपर जाते नीचे आते थ्रू आउट जमीन नीचे को खींच रही थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे और वो नीचे यानी नेगेटिव और कॉन्स्टेंट तो ग्राफ की शेप आएगी ये जो कि बता रहा है माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्ड तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास असाइनमेंट नंबर फोर थी उसमें तीन ग्राफ्स ड्रॉ करने का कहा गया था नंबर वन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नंबर टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नंबर थ्री एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक एक सिंगल सिचुएशन के तीनों ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने थे कि बॉल को सीधा ऊपर फेंका वो सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया है हमने तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करके अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर उसकी वर्किंग को सॉल्व कर लिया है प्रॉपर उसकी वर्किंग कर ली है आइए असाइनमेंट नंबर फाइव की तरफ चलते हैं असाइनमेंट नंबर फाइव दरअसल एक न्यूमेरिकल है जो देखने में तो जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लग रही है लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल मुश्किल नहीं सर जरा सा स्केच बनाने की देर है आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आइए क्वेश्चन को रीड करता हूं इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रेन है और वो बड़ी स्टेडी स्पीड से एक स्टेडी एक स्पीड से मूव कर रही है जिसकी वैल्यू है टेन मीटर पर सेकेंड आप समझ लें दो रेल के ट्रैक हैं एक गाड़ी एक ट्रेन है गुड्स ट्रेन वो स्टेडी स्पीड से मूव करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है और वो कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी वो हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती जा रही जा रही है फिर एक, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो रेस्ट से शुरू होती है उसी स्टेशन से जब ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है तो ये जा रही है कॉन्सटेंट स्पीड से और ये शुरू होती है अपनी मोशन शुरू करती है और जब ये अपनी मोशन शुरू करती है एक्सप्रेस ट्रेन तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और जैसे ही मोशन शुरू करती है तो ये एक्सलरेट करती जाती है और इसके एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मैंने आपको मतलब इसका मतलब समझाया हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क है तो इसका मतलब ये ट्रेन हर सेकंड में 0.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो यकीन आप सोचें एक वक्त आएगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये स्टेडी स्पीड से चलने वाली गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगी और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दोनों पैरल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन हो तो बताइए कितना टाइम लगेगा वो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा कि वो गुड्स ट्रेन को गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर ले तो ऑप्शन है छह सेकेंड दस सेकेंड बीस सेकेंड या चालीस सेकेंड तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लें कि जो ट्रेन गुड्स ट्रेन है वो यहां से यहां तक पहुंची और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी मूव करती हुई जब यहां से मूव करती करती उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहां पर आएगी तो इसका मतलब हम कह सकेंगे कि आ, उसने उसको इसके फौरन बाद ओवरटेक कर लेना है मतलब अगर ये गुड ट्रेन चल रही है गुड्स ट्रेन और जो नीचे वाली मैंने आपको नीचे वाला ट्रैक दिखाया अगर वो एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रैक है तो एक्सप्रेस ट्रेन ने अगर गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करना है तो यकीनन एक्सप्रेस ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना गुड्स ट्रेन कर चुकी होगी यानी यकीनन इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए अब इसका जो डिस्टेंस है आपको पता है उसका डिस्प्लेसमेंट कह लें स्पीड गिवन है तो मैं डिस्टेंस कह लू डिस्प्लेसमेंट कह लू स्ट्रेट लाइन में बॉडीज मूव कर रही हैं आपको पता है ऑल वैक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड एस स्केलर तो मैं डिस्टेंस कह लू यहां पर डिस्प्लेसमेंट कह लू कोई इशू नहीं तो एस आपको पता है इक्वल होता है एवरेज विलोसिटी इन टाइम और यहां पर जो गुड्स ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी है वो स्टेडी मोशन है तो मैं जस्ट v ही लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता v इन टू टी तो ये इक्वल आ गया डिस्टेंस के अब ये s बराबर आ रहा है v इंटू टी और v तो गिवन है v कितना गिवन है गुड्स ट्रेन का वो है टेन तो जो अब आ गया टेन इंटू टी जबकि अगर एक्सप्रेस ट्रेन का उतना ही डिस्टेंस कवर करवाना है तो मैं इधर भी एस लिख देता हूं लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी और फिर वो एक्सेलरेट रेट भी कर रही थी तो मैं जो मोशन लगाऊंगा यकीन होनी चाहिए तो इसका मतलब एस इक्वल हो जाएगा जीरो प्लस हाफ ए टी अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे मतलब डिस्टेंस इक्वल होंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन उसको ओवरटेक कर सकेगी तो एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस इक्वल आ गया हाफ ए टी तो अब ये वाला distance और ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस और यकीनन इक्वल होंगे तभी एक्सप्रेस ट्रेन ये जो डिस्टेंस है यह एक्सप्रेस ट्रेन का है और जो ऊपर डिस्टेंस लिखा गया वो ये वाला डिस्टेंस ये गुड्स ट्रेन का है तो यकीनन ये दोनों इक्वल होने चाहिए ये इक्वल होने की देर है ओवरटेकिंग हो जाएगी और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी जगह मैं टेन टी लिख सकता हूं टेन इंटू टी अब स्टूडेंट्स आप देखें ये जो टी है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर यह कैंसिल होता है और बाकी हमारे पास बात जाता है टेन इक्वल आता है हाफ और ए गिवन है ए कितना गिवन है जीरो पॉइंट फाइव इंटू टी स्क् और यहां से अगर टी सब्जेक्ट बनाया जाए यहां पर अगर टी सब्जेक्ट बनाया जाए तो हमारे पास जो अगला रिलेशन uh, बनता है फाइनल रिलेशन वो क्या होता है आइए वो देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास अगला रिलेशन बनता है उसमें ये टी स्क् कैंसिल हो चुका है तो राइट right एंड हमारे पास बात जाता है टेन इक्वल आ जाता है वन बाय टू ज़ीरो पॉइंट फाइव टाइम्स टी और यहाँ पर जो टी को सब्जेक्ट बनाएं तो इक्वल होगा टेन टाइम्स टू अपॉन जीरो पॉइंट फाइव और अगर मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सीधा करके अगर लिखा जाए टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें तो ये बच जाता है ट्वेंटी अपॉन जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव में अगर इस पॉइंट को ख़त्म करें तो ऊपर टेन आ जाता है तो ये हमारे पास बनेगा ट्वेंटी इंटू टेन अपॉन फाइव तो अगर इसको सॉल्व करें तो फाइव फोर आर ट्वेंटी एंड फोर टेन आर फोर्टी तो हमारे पास जो टाइम का फाइनल रिलेशन आता है वो आता है फोर्टी सेकेंड तो ये हमारे पास ऑप्शन आती है ऑप्शन डेल्टा ये हमारे पास ऑप्शन बनती है क्वेश्चन में ऑप्शन डेल्टा तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चार ऑप्शंस थी छः सेकेंड दस सेकेंड बीस सेकंड तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है चालीस सेकेंड यानी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता था कि अगर एक गुड्स ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी और एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक्सलरेट करते हुए अपनी मोशन शुरू की तो चालीस सेकेंड लगेंगे दस मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में तो स्टूडेंट्स ये हमारी असाइनमेंट नंबर फाइव थी जो हमने कंप्लीट कर ली इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स असाइनमेंट नंबर सिक्स असाइनमेंट नंबर सिक्स एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कैन यू ड्राइव योर कार लाइक दिस कि एक आप, आप समझ लें कि आपके कार के फ्रंट के ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ है उसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल गाड़ी के अंदर हो तो आप हाथ से आगे मैग्नेट पकड़ के क्या गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं तो इसका क्या जवाब होना चाहिए अगर आप इसको फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो जवाब है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये भी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है क्या क्या ऐसे गाड़ी को ड्राइव किया जा सकता है एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्या गाड़ी को ऐसे ड्राइव किया जा सकता है इन सब के जवाब नो हैं बहुत सारी उसकी रीजनस हैं लेकिन आपके लेवल के लिए पहली रीज़न तो मैं ये बताता हूँ कि याद रख लें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये कोई वर्क नहीं करती आप ये सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोवाइड एनी वर्क तो मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क नहीं होता और दूसरी रीजन यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अगर एक्शन यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स होगी तो एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं आपने पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं तो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो मैस और एक्सेलरेशन में इनवर्स रिलेशन आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए तो फिर उस बॉडी ने एक्सल या मूव करना होता है जिसका मैस कम होता है तो यहां पर यह होगा कि अगर गाड़ी का मैस बहुत ज्यादा है तो अगर आप आगे मैग्नेट रखेंगे तो जो गाड़ी मूव मैग्नेट कर जाएगा क्योंकि उसका मैस कम है यह बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर ये मैंने पेन हाथ में पकड़ा हुआ है तो जमीन जिस फोर्स से इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये पेन भी जमीन को उतनी फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा है तो फिर सवाल है कि सर फिर जमीन पेन की तरफ क्यों नहीं आती इसलिए क्योंकि अगर फोर्स इक्वल हो फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो एम और ए में इनवर्स रिलेशन होता है तो फिर वो वाली बॉडी एक्सेलरेट करती है या मूव करती है जिसका मैस कम होता है यही वजह है कि पेन मूव करता है टुवर्ड्स अर्थ तो यहां पर भी ऐसे ही होगा गाड़ी बहुत मैसिव है तो जो मूव करेगा वो मैग्नेट होगा और तीसरी एक और वजह भी आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से तो ये सेल्फ परपीचुएटिंग सिस्टम बन जाएगा विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और विच इज़ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी स्टूडेंट्स इसकी एक हम वजह बना सकते हैं कि, कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है जो हाथ में जैसे यहाँ पर पर्सन ने हाथ में पकड़ी हुई है जो रॉड वो असल में फोर्स उस हाथ तक पहुँचती है और फिर हम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी चेक करें तब भी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करती हैं कभी भी गाड़ी को मूव नहीं करवा सकती तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास असाइनमेंट नंबर सिक्स आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ इन नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर सेवन की बात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह न